नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज यादव। आज कक्षा 12वीं की हिंदी सामान्य की पहली कविता आपको सूर के बालकृष्ण समझा रही हूँ। इसे सूरदास ने लिखा है। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं। इस कविता में माँ यशोदा की अभिलाषा का वर्णन किया गया है कि माता यशोदा अपने बालक कृष्ण को देखकर क्या अभिलाषा करती हैं कि जसुमती मन अभिलाष करे। माँ यशोदा अपने मन में अभिलाषा करती हैं कि कब मेरो लाल गुटरुमनी रेंगे, कब धरनी पग द्वेग धरे, कि कब मेरा लाल मेरा कृष्ण घुटनों घुटनों चलना सीखेगा, और कब ये धरती पर अपने दो एक पांव रखेगा। कब द्वे दांत दूध के देखो, मैं इसके कब दूध के दो एक दांत देखूंगी। कब तोतरे मुख वचन झरे, और कब ये अपने मुख से तोतली भाषा में बोलना तोतली बोली में बोलना सीखेगा। कब नंद ही बाबा कही बोले, और कब ये नंद को बाबा कहकर पुकारेगा। कब जननी जननी नी माँ, और मुझे कब ये माँ कहकर पुकारेगा। कब मेरो अंचरा गही मोहन, अंचरा यानी आंचल गही पकड़कर, और कब मेरा मोहन मेरा कृष्ण मेरा आंचल पकड़कर, जोई सोई कही मोसो झगड़े, मेरे से जोर शोर से झगड़ा करेगा। कब धो तनक तनक कछुके हैं, कब ये थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर खाएगा। अपने कर सो मुखी भरे, कर यानी हाथ, अपने हाथ से अपने मुख में भरेगा, अर्थात ये खाना सीखेगा। कब हंसी बात कहेगा मुझसे, कब ये मुझसे हंसकर कोई बात कहेगा। जा छवि ते दुख दूर हरे, जब ये ऐसा करेगा तो उसकी छवि को देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो इतना सोच रही हैं, ऐसी अभिलाषा कर रही हैं, और शाम अकेले आंगन छोड़े, वह शाम को अर्थात कृष्ण को अकेला आंगन में छोड़कर आपो गई कछु काजू धरे, अपना कोई काम करने के लिए अंदर गई, घर के अंदर गई। यही अंतर अंधवाई उठई एक गर्जत गगन सहित गहरे। इसी बीच आसमान में गर्जना सहित एक आंधी उठी। सूरदास कहते हैं कि सूरदास बस लोग सुनत धुनी, जो जहां तहां सब अति डरे। सूरदास कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने जब उस ध्वनि को सुना, जब उस आवाज़ को सुना, जब उस गर्जना को सुना, तो जो जहां था वहां अति ही यानी अत्यधिक डर गया। एक बार फिर से देखिए, माँ यशोदा अपने मन में अभिलाषा करती हैं कि कब मेरा लाल घुटनों घुटनों रेंगेगा, अर्थात चलना सीखेगा, घुटनों घुटनों चलेगा। कब धरती पर अपने दो एक पाँव रखेगा। कब इसके दूध के दो दांत आएंगे, मैं उसके दूध के दांत देखूंगी। और कब ये तोतली बोली में कुछ बोलना सीखेगा। कब नंद को बाबा कहेगा। कब मुझे माँ कहकर पुकारेगा। कब मेरा आंचल पकड़कर मेरे से झगड़ा करेगा। कब ये थोड़ा थोड़ा कुछ खाएगा, अपने हाथ से अपने मुँह में खाना सीखेगा। और कब ये मुझसे हंसकर बात करेगा। जब ये ऐसा करेगा तो उसकी उस छवि को देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वे इतना सोचती हुई शाम को अकेला आंगन में छोड़कर, अर्थात कृष्ण को अकेला आंगन में छोड़कर, अपने किसी काम से अंदर गई, घर के अंदर गई। इसी बीच आसमान में गर्जना सहित एक आंधी उठी। सूरदास कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने जब आसमान में उस गर्जना को सुना, तो जो जहाँ था वहाँ सब अत्यधिक डर गए। अब इस पूरे पद का विशेष इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद में माँ यशोदा की अभिलाषा का वर्णन किया गया है, और माँ यशोदा की अभिलाषा के वर्णन के साथ साथ एक माता की अभिलाषा का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार कहाँ है? अनुप्रास अलंकार है द्वे दात दूत, अर्थात जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और तनक तनक यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, तो यहाँ पर तनक तनक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।